सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं उस बेटी को जिसने बहुत थोड़ा समय इस दुनिया में बिताया। मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके साथ साथ चाहे सूरत में आज घटना सामने आई हो, इसके अलावा चाहे सासाराम हो, चाहे उन्नाव हो और चाहे 2 साल पहले हुए निर्भया बेटी के रूप में हमारे बीच से जो चली गई बेटी निर्भया, चाहे वो हो, जो ऐसी घटनाएं होती हैं वो समाज को कलंकित करने वाली हैं, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। और ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं को हिंदू और मुसलमान में अगर बांट के देखा जाएगा तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। आज यहां पर राजघाट पर बहुत समाज से भी बड़े लोग यहां पर उपस्थित हैं, जिनको सुनने और जानने के लिए हम लोग भी हमेशा कहीं ना कहीं चकटकी लगाए रहते हैं कि उनकी तरफ से क्या हमारी तरफ मैसेज आएगा। कर्नल करोड़ी साहब जो समाज के प्रतीक के रूप में हमारे बीच में हैं, इसके अलावा नेपाल सिंह जी हो, गिरीश जी हो, सुबोध जी हो और जिन लोगों ने पीड़ा उठाया है, जिन्होंने गुजर परिवार नाम रख के ये पीड़ा उठाया, वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं अपनी तरफ से मैं धन्यवाद तो ऐसे मौके पर नहीं दूंगा, साधुवाद उन्हें दे सकता हूं कि जिन्होंने पीड़ा उठाया कि राजघाट पर भी इकट्ठा होंगे। लेकिन लड़ाई की शुरुआत पर है और शुरुआत इसलिए है क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। उस समाज की उस बेटी पर प्रकाश इसलिए डालूंगा, 2 मिनट या 3 मिनट बोलूंगा बस, कि जिस बेटी को सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने भी इस्तीफे भी वहां पर दिए हैं। और किस कारण से दिए हैं जानते हैं? इस कारण से दिए हैं कि उन लोगों ने वहां पर जाकर उस बेटी के परिवार को, उनकी जाति को और उन लोगों को, एक व्यक्ति का बयान तो ऐसा आया, कहा कि इसमें पाकिस्तान की साजिश है। किसी ने कहा कि वो रोहनिया जो विदेश से आकर यहाँ पर शरणार्थी के रूप में है, वो लोग हैं जो देश को बिखेरने वाली ताकत है, बांटने वाली ताकत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये बकरवाल गुजर बकरवाल समाज देशभक्ति से ओतप्रोत रहकर 1947 देश की आजादी के उस समय से लेकर और आज तक कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर, जब इस देश का दूसरे देश से, हिंदुस्तान का पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध हुआ, अगर सबसे पहली सूचना अगर किसी समाज ने दी तो इसी घूमने वाले बकरवाल गुजर बकरवाल समाज ने दी। ये वो समाज है जिसकी बेटी को राष्ट्रपति अवार्ड इसलिए मिला कि आतंकवादी उनके गांव में घुसाते हैं, और आतंकवादी जब गांव में घुसाते हैं तो एक बेटी कुल्हाड़ी लेकर उन पर हमला बोलती है। उसके बाद उस बेटी को इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति अवार्ड इसलिए मिलता है कि देशभक्ति से ओतप्रोत होकर उसने काम किया था। ये देश को बांटने वाली साजिश है। देश की सेना ये बात कहती है, हमारे देश की सेना ये बात कहती है कि ये गुजर बकरवाल समाज, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये कश्मीर देश में, हिंदुस्तान में सुरक्षित है। और उसके बाद कई लोग इस बात की साजिश करते हैं कि कहते हैं कि ये रोहिंग्या है, कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं। मैं ऐसे लोगों को चेताना चाहता हूं और ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहूंगा, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग बैठे हैं और जाति के समाज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन कहां ऐसा लिखा है, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कौन सी वेद में ऐसा लिखा है कि 8 साल की बच्ची के साथ 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखकर उसको तड़पा तड़पा कर
मौत के घाट पत्थर से कुचलकर मार दिया जाए और उसके बाद वहां पर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति गंदी सोच वाले लोग ये बात बोले कि वो तो मुसलमान हैं। आप दूसरी घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोग हैशटैग जस्टिस फॉर आसिफा गुर्जर का नाम ले रहे हैं तो हम इसके साथ साथ हम उन बच्चियों के लिए श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करना चाहते हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। देश के सबसे बड़े गद्दी पर बैठे हुए लोगों को यह बात समझनी और सोचनी पड़ेगी कि आप लोग जो बोलते हैं वो जमीन पर भी नजर आना चाहिए, वो चीज जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। मैं आने वाले समय पर राजघाट पर जितने लोग समाज से भी यहां पर बैठे हैं जिनके नाम मैं नहीं बोल पाया हूं, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि सब लोग, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले को, राजस्थान का रहने वाले को, हरियाणा का रहने वाले को, अलग अलग जगह के हैं, इसके बाद मुहिम चलाएं। कर्नल बैसला साहब यहाँ पर बैठे हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के माने वकील साहब से लेकर बहुत अलग अलग बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग वहां पर श्रीनगर में वो परिवार है, हम लोग भी कोशिश करेंगे, हमारी चर्चा भी इस चीज की चल रही थी, हम उस परिवार के पास जाएं और हम लोग दो तरीके से मदद करेंगे, एक सामाजिक रूप से संरक्षण देने का काम करेंगे और दूसरी तरफ से उस परिवार के आने वाले समय पर कोई परिस्थिति कोई दिक्कत उसको ना आए उसकी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं फिर तमाम साथियों को, तमाम अपने नौजवान लोगों को, नौजवान साथी जो यहाँ पर जुटे और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने ये मुहिम चलाई, उस पूरे गुर्जर परिवार के तमाम साथियों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की और आज राजघाट पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आने वाले समय पर अगर इस तरह की कोई और चीजें, इसके साथ साथ में बस एक मिनट और कहते हुए कि बैसला साहब हैं, सुमित गुर्जर इंकाउंटर हुआ, उसके अलावा कई घटनाएं समाज में इस तरह की घट रही है। अभी बिजनौर में अभी नेपाल सिंह जी तो गए, दो लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, पिता की वो बस बच गए, इंकाउंटर हो रहा था उनका भी। ऐसी चीजों पर भी हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग इकट्ठे हों और कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।